एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है और दिल्ली की सर्दी के सितम के बीच भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों ने साफ किया है कि वो अब तक घर वापस नहीं जाएंगे जब तक उनकी मांग सरकार मान नहीं लेती। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है और किसान जब तक अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होगा। मुद्दे की बात यह है कि अगर सरकार और किसान दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहे तो मामले का हल आखिर कैसे निकलेगा। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है, शीत लहर चल रही और घर से बाहर निकलना भी लोगों के लिए दुश्वार हो गया। लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार से कृषि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। किसानों ने इसे लेकर आज बैठक भी की जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि सरकार और किसानों के बीच अब तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन मामला अभी तक जस के तस बना हुआ है। किसानों ने कहा कि सरकार अगर उनकी बात नहीं मानती है तो 26 जनवरी को किसान अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान सरकार से साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी तब तक उनकी घर वापसी भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना आंदोलन चलाते रहे। हमने बार बार कहा कि हमारा जो आंदोलन है वो 3 बिलों को वापसी का है। किसी ने जो कोर्ट में वो डाल लिए वो ये डाल लिए कि ये कोर्ट पार्लियामेंट में गलत तरीके से बनाए गए हैं। हमने तो कानून मान लिए कि कानून पार्लियामेंट से बने हैं और पार्लियामेंट से ही कानून खत्म होंगे। हमारा इशू है कानून खत्म करवाने का, हम बगैर खत्म करवाए कानूनों को जाएंगे नहीं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जमे हुए और कृषि कानून की वापसी की मांग को बार बार दोहरा रहे। किसानों का कहना है कि उन्हें फिलहाल 19 जनवरी का इंतजार है जब किसान और सरकार के बीच 9वीं दौर की बैठक होगी। किसानों का कहना है कि सरकार अगर आगे भी अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाती तो गाँव से महिला और बच्चे भी भारी तादाद में उनके आंदोलन के समर्थन के लिए पहुंचेंगे और घर वापसी तब तक नहीं होगी जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। किसान आंदोलन को 53 दिन हो गए हैं और लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, इन किसानों से बात करते हैं कि किसानों की अगली रणनीति क्या होगी। आप बताइए कि अब अगली रणनीति क्या होगी। सरकार के साथ 9 बार की वार्ता हो गई है, 9 बार की वार्ता विफल रही है, अब अगली रणनीति क्या होगी। हमारी अगली रणनीति होगी 26 तारीख में हम यहाँ भारी तादाद में किसान दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर पर फैला है वो कूच करेगा। और जैसा कि चौधरी राकेश टिकैत जी ने बताया, एक तरफ टैंक से सलामी होगी, दूसरी तरफ ट्रैक्टरों से सलामी होगी। किसान और सरकार दोनों लाल किले पर जाकर अब के अपना स्वतंत्रता दिवस मनाओगे क्योंकि जो है लाल किले पर किसानों का ज़्यादा अधिकार है। वहीं जहां किसान सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगा रहे तो सरकार का कहना है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती और अगर किसान चाहते हैं कि इस मामले में दोनों ओर से सहमति बने तो इसके लिए किसानों को भी अपनी जिद छोड़नी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार इस मसले का हल निकालना चाहती है लेकिन किसानों के कृषि कानून को वापस लेने की जिद की वजह से मामला सुलझ नहीं पा रहा। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है, तो मैं समझता हूँ जिद का सवाल ही खत्म होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें
वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं, वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। 19 जनवरी यानी कि सोमवार को किसानों और सरकार के बीच फिर से चर्चा होगी। जहां सरकार को उम्मीद है कि 19 जनवरी को मसले का हल निकल जाएगा, तो वहीं किसानों को लगता है कि पहले की तरह ही ये बातचीत भी बेनतीजा रहने वाली है। क्योंकि जहां किसानों को कृषि कानून की वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं, तो वहीं सरकार भी कृषि कानूनों को किसी भी हाल में वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में किसान नेता आंदोलन की लड़ाई को और आगे तक ले जाने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद आने वाले वक्त में सरकार और किसानों के बीच सहमति बन पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।